केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का जन आशीर्वाद यात्रा के चौथे दिन कांगड़ा जिला में जगह जगह किया गया स्वागत। कई मंत्री व भाजपा नेता रहे अनुराग ठाकुर के साथ। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने फिट इंडिया फ्रीडम रन को दिखाई हरी झंडी। धर्मशाला सर्किट हाउस में नेहरू युवा केंद्र के बच्चों से की मुलाकात और केंद्र से आई युवतियों से बंधवाई राखी। भाई बहन के स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया गया। भाजपा महिला मोर्चा और एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने बालूगंज थाने में पुलिस जवानों की कलाई में बांधी राखी। सिरमौर जिला में नाहन के आस्था विशेष स्कूल में दिव्यांग व अनाथ बच्चों के लिए सामूहिक रक्षाबंधन का किया गया आयोजन। इन बच्चों को सामान्य बच्चों से जोड़ने के उद्देश्य से हुआ आयोजन। आईजीएमसी अस्पताल शिमला में कल से फिर शुरू होगा किडनी ट्रांसप्लांटेशन। कोरोना के चलते अस्पताल प्रशासन ने इस स्वास्थ्य सेवा को किया था बंद। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के त्रिलोकनाथ में मनाए जाने वाला ऐतिहासिक व धार्मिक पौरी मेला संपन्न। मणिमहेश के लिए छड़ी यात्रा हुई रवाना। 5 दिन बाद पहुंचेगी मणिमहेश डल झील। किन्नौर के कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी ने प्रदेश भाजपा सरकार पर जनजातीय क्षेत्र के लोगों के साथ भेदभाव करने का लगाया आरोप। कहा, जनजातीय क्षेत्र के लोगों की जमीन को गैर जनजातीय क्षेत्र के लोगों को किया जा रहा है आवंटित, जो है कानून के विरुद्ध। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कुल्लू के पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को एकजुटता का पढ़ाया पाठ। उपचुनाव को जीतने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों को आम लोगों तक पहुंचाने का किया आह्वान। 23 दिनों बाद बहाल हुआ NH 707, भूस्खलन के कारण बाधित हुआ था पौंटा साहिब शिलाई NH।